अता मोहम्मद तारक। अरे तालियां बजाओ जो मर्जी करो यारोस्ट है। अच्छा जी, हमारी जो दूसरी सुपर टूपर मेहमान है पाकिस्तान शोबिज का एक बहुत बड़ा नाम है। आपके क्रेडिट में लाजवाब फिल्में हैं, लाजवाब ड्रामे हैं। वाह, ना सिर्फ आप हमारी प्राइड हैं बल्कि आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं। वाह, पाकिस्तान हुकूमत ने आपकी लाजवाब खिदमात पे आपको तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा है। आपकी खूबसूरती लाजवाब भी है और बरकरार भी है। और आपका नाम जो है वो एन आपकी शख्सियत के मुताबिकत रखता है। आपकी बहुत सी तालियों में दीवान एंड ओनली रेशम। अरे आज पता सी ना इन्हें रेशम साहब आ रहे ने ते बेबी पिंक पाए और पहला बेबी है जिहड़ा 51 दा है। मैं बताऊं आपको कि इन्होंने इतना बड़ा और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा क्यों कराया? क्यों जी? क्योंकि इन्होंने अपना करियर जो है वो मेरे साथ शुरू किया। और मैं आपको ये बताऊं, उस वक्त मैं एक एक्स्ट्रा एक्टर था। आज भी हो यार। आज तो देखें एक मजे में एक एक्टर है। जिस तरह मैंने अपना करियर बहुत सारे हमारे टीवी के स्टार्स के साथ एक्स्ट्रा से शुरू किया था, उसके बाद मुझे एक लीडिंग एक्ट्रेस का कैरेक्टर मिला एक सीरियल में, तो उसी तरह काशिफ महमूद साहब ने दुख सुख में मेरे साथ एक छोटा सा रोल किया और उसके बाद फिर ये लीड करते चले गए माशाल्लाह। काशिफ भाई, एक्स्ट्रा से याद आया कि आज से 20 साल पहले मैं भी एक्स्ट्रा में बॉलिंग करता था और मैं बाउंड्री से बाहर खड़ा होता था। अच्छा। लेकिन मेहनत करके और अवाम का साथ दे के मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूं। वाह, चले इसमें रोशनी डालेंगे अता साहब। और बहुत अच्छी डालेंगे रोशनी। अता, ये बताइए कि परफॉर्मेंस जितने भी जमीनी इंतखाबात में परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बताइए कि आपकी फॉर्म अच्छी है या ये आउट ऑफ फॉर्म है? देखिए, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। आपने जब सिर्फ बातें की हों, कौम का वक्त ज़ाया किया हो, सैर सपाटे किए हों जिंदगी के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? इनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर से सारे लोग बैठे हुए हैं वो गा रहे होते हैं अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं। जब आप सारा दिन ये उनको राग लापेंगे उनके साथ बैठ के, तो वो बड़े सीनियर हैं जिन्होंने ये गाया था, उनसे माजरत है, खुदा का खौफ करें थोड़ा सा। रेशम जी, ये बताइए कि आपने, वो कहते हैं, मैंने एक सवाल पहले भी किसी से पूछा था, वो कहते हैं कि गई जवानी फेर नहीं आती, लख खुराकां खाइए, लेकिन आपकी तरफ तो देख के लगता है जैसे जवानी ने फुल स्टॉप लगा लिया कि मैंने जाना ही नहीं। कौन सा आबे हयात आपने पिया हुआ है? थोड़ा हमें भी दें, हम भी पी लें। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो डर सा लगा रहता था कि किसी को घर में कोविड ना हो जाए, तो मैं इस डिप्रेशन को और इस खौफ को दूर करने के लिए मैं किचन में घुस जाती थी रोजाना की एक दो हांडियां में बनाती थी। तो अच्छा, वो हेड टू टो स्वेटिंग इतनी होती थी कि मैंने 15 दिन के बाद नोट किया कि मैं तो मतलब बड़ी अच्छी और मतलब गर्दन पतली हो गई है और बॉडी जो है वो ट्रिम हो रही है। बड़ा अच्छा किचन है आप तो। नहीं, साथ अच्छा, वहाँ कोई पंखा और एसी नहीं है। अच्छा, और आपको पता है कि आपने अगर अपनी गर्दन पतली करनी हो तो अपने किचन में पंखा और एसी उतरवा दें। नहीं, इन्हें वीडियो देख के ना एक फैन आ गया घर, इन्होंने पूछा तुम मेरे फैन हो? कहना नहीं बाजी, देगा का ऑर्डर देने आया था। वो खान साहब कुछ कहने लगे। काशिफ साहब, सेहत के लिए मैं बताता हूँ आपको, 22 साल की स्ट्रगल है, मैंने वलेंशिया में एक क्लब बनाया है साइकिलिंग। ओके, तो उसमें आप आए, मैं बिल्कुल आपको इंशाल्लाह सारे फिट हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने काशिफ इमरान साहब। और देखिए, वो जो क्लब है बहुत ही अच्छा है, उसका नारा बहुत अच्छा है कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। और हम ये मेडिसिन सबको लगाना चाहते हैं। ये बताइए रेशम जी कि महंगाई से आप भी मुतासर हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा जो आज के दौर में, इनके दौर में जो महंगाई बढ़ी है? मतलब क्यों नहीं फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा फर्क आपको भी? मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं अपना घर चलाती हूँ। मतलब मैं, मेरे सर पे बाप नहीं है, मेरे सर पे कोई खामन नहीं है, भाई नहीं है, तो मैं यानी कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है आपको फर्क पड़ता है? यार तुसी उन्होंने इंज पूछ रहे, मुझे एक सेकंड, मुझे पैसे मतलब पेट्रोल डलवाने के लिए हुकूमत भेजती है क्या? अब बंदा पूछे रेशम जी चन ते रहंदे नहीं? रेशम साहब, जेड़ा तुसी कह मेरे सर पे बाप नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। फिर आपने कहा मेरे सर पे खामन नहीं है, तुहाडी मर्जी। वाह,
सवाल था कि इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। लोगों को शहबाज शरीफ साहब की खिदमत बहुत याद आई, कोई शक क्योंकि जब डेंगू उनके वक्त आया था तो उन्होंने डेंगू को आई थिंक 15 से 20 दिन में पूरा कंट्रोल किया था, स्प्रेज किए, सब कुछ किया। अच्छा, बाकी शहबाज शरीफ के दौर से करोड़ा मच्छर थे, उन्होंने उंगल नाल ही मारता सी। नहीं, लेकिन उनकी खिदमत जो है, जो सच है, वो तो सबके सामने ही है ना। वाह, अता भाई ये बताइए कि पंजाब में परफॉर्मेंस देने के लिए चीफ मिनिस्टर का ये उंगली चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बुज़दार साहब यूं नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब यूं बात किया करते थे, क्या इसमें कोई राज है? इमोशनल इंसान है, जो इमोशनल होता है ना, मैं कहती हूँ जो जिसके अंदर इमोशंस नहीं है ना, वो किसी का भी ख्याल नहीं रख सकता। अच्छा, मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब इमोशनल है, इसीलिए उनकी खिदमत भी पंजाब में बहुत ज्यादा। नहीं, बाकी जो उन्होंने सामने माइक ना हो फिर इमोशनल नहीं होंगे। इस उंगली से पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अल्लाह ताला के फजल से हिलती थी और चलती थी, और पता होता था कि मैंने अगर सुबह 5 बजे उठ के स्प्रे ना किया तो यही उंगली चलेगी और मैं मुअत्तल हो जाऊंगा। कोई शक पता होता था कि किसी को अस्पताल में ड्रिप ना लगी तो यही उंगली चलेगी और एमएस अस्पताल का फारिग हो जाएगा। तो बुज़दार साहब के पास ये उंगली नहीं है, वो जेड़ा पूछ रहा है कि ये कोरोना काटता कैसे, उसने उंगली का क्या करना है। अच्छा ये बताइए कि हमने तो जो सियासतदान जो है ना इमेजिन करते हैं, उसका पेट निकला होता है, उसकी गर्दन बहुत मोटी होती है, उसकी मूंछ होती है और उसने बड़ा वो, लेकिन आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मतलब आप तो कहीं से सियासतदान लग ही नहीं रहे। देखिए तो कैसे बनेंगे आप चीफ मिनिस्टर पंजाब? सवेरे स्कूल दे बच्चे हो जो बच्चे ने माइक च कॉमेडी कराना सीखना, क्योंकि तंजो मजाक की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत आती है तो अता मोहम्मद तारर जो है ना वो हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। अरे पहली पार्टी में मेरी बड़ी मुखालफत शुरू हो गई भी, आप मुझे बिल्कुल ही पार्टी से फारक कर रहे हैं। अता भाई बताइए कि आजकल हम देखते हैं काला कोट जो है ये लोगों को मार रहा है, जजों को मारता है, जहां जाता है कोई टैंपटास कर देता है, ये काम पहले पलवान किया करते थे, ये काम आप लोगों ने अपने जिम्मे ले लिया है, ये क्या चक्कर है? ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, ये गलत ट्रेंड है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। कि वो अक्सर मैंने भी पहना होना तो मेरा भी कई दफा मीटर आउट हो जाता है कि काला कोट पाया उनको हाथ ला के दिखाए। मैं आप पॉलिसी बता रहा हूँ, ये काला कोट एक कैफियत है। अच्छा, पिछले दिनों तो इस काले कोट वाले लोगों ने काफी कराची में एक औरत पे हाथ उठाया। हाँ हाँ, और वो वीडियो देख के यकीन करें, मतलब दिल ऐसे जज को कुर्सी से उठा लिया। पहला तो लोग कहते थे ना मैं तेनू मुक्का मारना, मैं तेनू बुकला मारना। और मैं काशिफ नवाज शरीफ का बहुत बड़ा फैन हो गया है। करे मिठाई ले आओ जी। वो इसलिए हुआ हूं कि उनको पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है और उन्होंने सारे कानून दान अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं। ओके, वाह वाह वाह, आने वाले दिनों में आपको भी जरूरत पड़ सकती है, ध्यान कीजिए। ऑन अ सीरियस नोट काशिफ साहब, मैं अता तारर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। वो इसलिए कि मुशर्रफ दौर में जब मेरी सिस्टर्स को गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बड़ी मजामत की। रियली? जी ये बात सच है। उस वक्त एक मुशर्रफ दौर था, वकला तहरीक चल रही थी, खान साहब की सिस्टर्स को बकायदा बरकत मार्केट में मेल पुलिस ऑफिसर्स ने हरास किया, जदोकोप किया, हमने भरपूर मजामत की, लड़े झगड़े भी, मेरा एक कजन भी गिरफ्तार हुआ और वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था। वो बिल्कुल मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक वो एक तल्ख जो हिस्सा है वो बिल्कुल है, जो एजुकेशनल पॉलिटिक्स है। काशिफ साहब उस वक्त ये बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में पता नहीं कौन सा तावीज किसने इनको पिला दिया, उसके बाद मेरे खिलाफ हो गए। सास ने तो नहीं तावीज खोल के पिला। रेशम जी आप सुनाए फैसलाबाद में पैदा हुई? जी वाह, सच है। अच्छा, अच्छा फैसलाबाद के लोग तो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, वफादार भी होते हैं। मैं ये हैरानी हो रही कि फैसलाबाद च पैदा होए ने ते उर्दू देखो किड्डी अच्छी, जरा नहीं वेचे किद्दां की हाल ये नहीं आया कभी। ये बताइए कि एक्टिंग में कैसे आई आप? ये बस शौक था, लगन थी, कुछ बनना चाहती थी। वाह। और अपना पीटीवी स्टेशन गई, ऑडिशन दिया एक्स्ट्रा से, वो एक डायलॉग उन्होंने दिया बोलने के लिए, फिर वो एक्स्ट्रा से शुरू किया आपकी तरह। तो फिर आपकी तरह तुसी रगड़ के क्या ये नहीं साडा होस्ट तानू एक्स्ट्रा लगदा? नहीं मैं पहले खुद को एक्स्ट्रा कह रही हूं ना। देखिए आप तो बड़े लोग हैं ना, तुसी इना दा क्यों किया? मुझे ये सब कुछ प्लेट में रख के नहीं मिला। बिल्कुल, आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। यस, मैंने इसके पीछे एक लंबी, इनको क्या पता आज के बच्चों को, एक स्ट्रगल है, शुक्र है, एक मेहनत है। ये रेशम ऐसे जो ना, इसने बहुत सारी तकलीफें, दुख, धूप, बारिश, सर्दी, हर तरह के मौसमों को चखा है,
बड़ी तकलीफें। अच्छा रेशम, मुझे मैं रेशम, आप इतना अच्छा बोली हैं, स्पीच स्टाइल आपका इतना अच्छा है, और मैं कब से ढूंढ रहा था कि कोई नया वजीर इत्तला मुझे मिलना जरूरी था, आज मिल गई हैं। तुसी देखो वजारत इत्तला ते की टाइम आ गया है, पहले बाजी फरदौस ते हुन रेशम साहब। ऐना करना था नोला, इनकार मत करें प्लीज, हमें जरूरत है। पहले यही कहंदे ने इनकार मत करें, मुझे कोई ऐसी सीट दे दें जिसमें मैं दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकूं। वो सीट बुक हो चुकी। अच्छा ये बताइए कि उस वक्त रेशम को क्या फील हुआ जब ये बताया गया कि रेशम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। और मेरा ख्याल है हम गिन सकते हैं पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों को ये एजाज़ मिला, और माशाल्लाह रेशम उस एजाज़ से नवाजा गया और ये डिजर्व भी करती थी। कोई शक। तो कैसा महसूस हुआ जब कहा कि रेशम आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा? दो चीज़ें थी, जब ये अनाउंस हुआ 14 अगस्त को बहुत खुशी थी, मेरे भाई की कॉल आई मुझे, हुकूमती सतह पर इसको तुम्हारे काम को सराहा है, मेरा भाई बहुत खुश था मेरे लिए। लेकिन जब मैं अवार्ड ये रिसीव करने के लिए गई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तब मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, वो दुनिया से जा चुका था। तो वो एक जब अनाउंस हुआ उसकी खुशी अलग थी, लेकिन जब मैं इसको रिसीव करने के लिए गई इस्लामाबाद, मेरी बाकी फैमिली भी मेरे साथ थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मतलब जाहिर है कि अल्लाह का शुक्र अदा तो मैं कर रही थी, लेकिन वो लोग जो आपको देख के खुश होते हैं अपनी फैमिली में, जब वो बीच में आपके साथ नहीं रहते, अल्लाह के पास चले जाते हैं, और फिर वो मुसलसल आप लोग जो हैं हमें ग्लैमर हमारा देखते हैं, मतलब अच्छे कपड़े, मेकअप शेकअप सब, लेकिन हम भीड़ भाड़ में भी बैठे हुए ना, जब वो जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, ख़ासतौर पे मेरा एक ही भाई था, तो वो उस भीड़ में मुझे, मतलब मुझे लग रहा था वो मुझसे बात कर रहा है, वो मेरे इधर मतलब दिल में बैठा है और मैं उससे बात कर रही हूँ, तो वो कहीं दिल में बैठे ये लोग ना, इनकी यादें मुसलसल आपको जो है ना सताती हैं, बाहर तो बड़े खुश नजर आ रहे होते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा डेफिनेटली। अच्छा पाक परवरदिगार उनकी अगली मंजिल आसान करे, आपको और आपकी फैमिली को सबर दे। आप तो माशाल्लाह स्टार हैं, खूबसूरत हैं, लोगों की आइडियल हैं, तो अंत को खुशखबरी मिले, तुसी अच्छा ही रिएक्ट करना है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वेरी गुड। ते अनपढ़ बंदा बीबी नु इन्ना ही कवे ना जानू मुबारक होवे, वो घबरा जांदी, पहले 6 बच्चे ने नवा वक्त ना पाया। अच्छा जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला, उसके साथ सुना एक लिफाफा भी होता है। जी जी जी। उस लिफाफे में कुछ रकम भी होती है, 1 मिलियन। वो उसको देख के क्या लगा आपको? अच्छा मैं बताऊं, सुना पहले बड़े बड़े लोगों को सिर्फ 50,000 रुपए मिलता था। नहीं मैं ना बड़ी परेशान थी, पता नहीं पैसे है कि नहीं। रमजान शरीफ आ गया, मैंने फिर सबसे पहले अपने इस 1 मिलियन में से अपनी ज़कात निकाली। जिस वक्त आप फिल्म इंडस्ट्री में आई उस वक्त बहुत ही हैवी वेट्स किस्म की हीरोइंस होती थी, और आप एक स्किनी सी पतली दुबली सी, तो ये कॉम्बो कैसे बना? मतलब मेरा इतना मजाक उड़ाया गया मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ख्याल में अगर वो मेरा शायद मजाक ना उड़ाते तो आज मैं रेशम भी ना होती। ओह वेरी गुड। क्योंकि मुझे कुछ लोग, या मतलब होता है ना, मुझे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे तनकीद करें, मुझे कोई तकलीफ दे, मुझे किसी भी लिहाज से कोई तंग करे, मुझे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है इस चीज़। अच्छा आजकल देखा गया कि शोबिज के अंदर सर्जरीज का बहुत रवाज है। हाँ। मतलब एक बंदा इतना सा होता है, फिर वो अगले दिन कुछ लगा के, इसके ये ट्रेंड जो चल रहा है। हाँ जी। ये मतलब ऐसा लगता है कि हर किसी को पंच ही पड़ा हुआ, हर किसी का होंठ जो है वो फूल गया है। कैमरामैन से कहें कि मेरा क्लोजअप लें। हाँ। देखें मेरे यहाँ भी आपको स्किन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कराया हुआ मैंने ना, फिलर। मैं काफी करीब बैठा हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं मैनू नजर नहीं आ रहा, तुसी इत्थे आना, मैं जरा देख रहा हूं। अच्छा एक बात मैं बताऊं, ये कई खवातीन जो एज कर जाती हैं, मेरे ख्याल में उनको बोटॉक्स और थोड़े से इस तरह के फिलर्स वगैरह कराने चाहिए। अच्छा। क्योंकि औरतें इनसिक्योर हो जाती हैं कि हमारा शौहर जो है दूसरी शादी तो नहीं कर लेगा, तो औरत बेचारी बड़ी सेंसिटिव होती जिसने है, करनी होती कर लेते हैं। बेड़ा गर्क हो गया एंजेलिना जोली का, और जिन्हें मोटे बुल्ला नु फैशन बनाता। कसम है पहले दौर से तुसी देखो ना, जे किसी दे मोटे बुल होने ते एवें बुढ़िया ने कही जाना लगता भैन ने छित्र मारिया है। अगर किसी भी औरत को ऐसे ये करके, मैं बहुत ज्यादा इसके हक में नहीं हूँ लेकिन थोड़ी सी हूँ, क्योंकि अगर आप एज कर जाते हैं और बोटॉक्स और फिलर्स आपको 10-15 साल पीछे ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि औरत जो है देखें वो खूबसूरत दिखना चाहती है, वो यंग दिखना चाहती है, वो अच्छी लगना चाहती सारे है। सारे फैशन बड़े ही औरत और औरत का ये हक है ना। जी बिल्कुल है। पहले तो शायर लिखते सन ना कि लाली तेरे बुल्लां दी ऐसी तैसी फुल्लां दी, हुण लिखते ने सर्जरी तेरे होंठां दी सारी गे में नोटां दी। ये
आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये सब चीजें कराने के लिए ढेर सारे पैसों का होना जरूरी है। अता आपने बहुत दफा चाय पी होगी, लेकिन एक चाय आपकी बहुत मशहूर हुई थी जो कि आपने नवाज शरीफ साहब के साथ मरी की जीपीओ की सीढ़ियों में बैठ के पी थी। हाय हाय, जरा उस चाय को तो डिस्क्राइब कीजिए, उसका क्या जायका था कि यहाँ नवाज शरीफ है, मरी है, जीपीओ है, सीढ़ियां हैं। मरी की रेस्टोरेशन का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने तकरीबन 1.5-2 साल काम किया, तो उसकी इनॉग्रेशन जब हुई तो मियां साहब से हमने इनॉग्रेशन करवाई, तो उनसे पूछा कि ये आगे क्या करना है, उन्होंने कहा यार सीढ़ियों पे बैठ के चाय का एक कप पीना है। और वो एंगल ऐसा है कि आपको माल रोड वहां से वो मुड़ती भी नजर आती है। जैसे ही चाय खत्म हुई मियां साहब कहने लगे चाय तो मुक गई, आलू गोश्त पके हैं। काशिफ साहब मुझे इतना दुख हुआ, अच्छा, जब जिस सीढ़ी पे बैठ वो पिक्चर है चाय की, इतना दुख हुआ कि सिर्फ चाय इनको पिलाई, अगर ये पीटीआई की 3-4 तारीफें करें मैं साथ 2 पकौड़े दूंगा। ये अच्छा था मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा सायरा अफजल तार आपकी चची हैं जी, सुना है उनकी शादी पे आप शहबाला बने थे। जी बिल्कुल, मैं उनकी शादी पे शहबाला बना था जी। वाह, ये जो तो ब्याह से शहबाले बने ने, पहले हाथी ब्याह तो रो गए, मैंनू नहीं पता, मैनू नोटा वाला हार पाओ अपना भी हार था, मैंने लाड़े दे हार नाल भी 2-4 नोट तोड़े। अच्छा तुसी सारा जवाब सियासत दा देता है, दसो उस ब्याह ते इस्लामिया कि नहीं, इत्थे आओ ना। बहुत पुरानी बात है, काफी अच्छी रकम इकट्ठी थी ये मुझे याद है, वो आपसे अब नैब पूछेगी। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। खवातीनो हजरात, दिमाग की बत्ती जलाओ, जिथे पार्किंग का निशान है उथे गड्डी लाओ, ते एवें गाला ना खाओ। और खास तौर पे मुझे लगता है कि उनकी दिमाग की बत्ती या तो है ही नहीं, किन की या बिल्कुल ही बुझ गई है, जो लोग वन वे आते हैं जरा सा पेट्रोल बचाने के लिए, जरा सा ऊपर से बचने के लिए आप लोग वन वे आते हैं, और सामने से जो लोग आ रहे होते हैं उनके लिए आप बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं, और खास तौर पे वो कोने पे एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा होता है, एक चिंची वाला आ रहा होता है, खुदा का वास्ता है अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। वाह, तो देखते हैं कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर जलती है। अता भाई की तो बहुत ज्यादा ही जलती है, देखते हैं कि हम आपसे सर छोटे छोटे सवाल करेंगे, आपने छोटे छोटे जवाब देने, 4 आपको ऑप्शंस दूंगा, आपने उसमें से एक को सेलेक्ट करना। अच्छा, आपको एक दिन के लिए वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जा रहा है, आपकी प्योरिटी क्या होगी इन 4 ऑप्शंस में से? ऑप्शन नंबर 1, माशी इस्लाहात लाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, महंगाई पे काबू पाएंगे। या ऑप्शन नंबर 4, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा, क्योंकि वो तरक्की की जमानत हैं और तमाम इस्लाहात, अगर वो ना आना चाहें भाई मैं भी मिलके आया, वो तो आने के लिए पूरा तैयार है, आने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त उनकी वही है, क्या वजीर आजम मेरा अपना हुए होते। काशिफ साहब मैं बड़ा फिर परेशान हो गया हूँ, अच्छा, कि जो काम मैं 3.5 साल में नहीं कर सका उतने सवाल आपने 1 मिनट के अंदर पूछ लिए। खान साहब जानते साड़ी वारी आंदे हो। शहबाज शरीफ साहब ने गाना गाया अकेले ना जाना मुझे छोड़कर, ये बताइए कि ये गाना उन्होंने किसके लिए गाया? 3 ऑप्शंस हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सलमान शहबाज के लिए, या फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए ये सच, मैं, सच, सच, मैं, बोलेगा, मैं, सच मैं मियां शहबाज शरीफ को बतौर एक बहुत ही वफादार भाई के देखता हूँ, तो वो जो भाई का वफादार जिस तरीके से है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं मुझे। उनके लिए गाया जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो छोड़ के अकेले क्यों चले गए? अपना भी इलाज करना था और खान साहब का भी इलाज करवाना था, तो वो खान साहब का इलाज करके मेरा इलाज आज तक डॉक्टर नहीं कर सके, इतनी स्किन टाइट है वर्जिश से कि टीका अंदर नहीं घुसता, और नवाज शरीफ साहब का नहीं, वो हूरों वाला टीका आपको लग गया था जिससे हूरे नजर आते। अच्छा जी, शरीफ खानदान में इनमें से ज्यादा सुरीला कौन है? 4 ऑप्शन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, या फिर जुनैद सफदर। मैंने जो जुनैद सफदर को सुना है मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा सुरीले मुंह है, उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा हमजा का नाम भूल गया, अच्छा वो भी सुरीले हैं। अच्छा ये बताइए कि जुनैद सफदर जो है हमेशा जुनैद सफदर रहेंगे या फिर नवाज बन जाएंगे? ये भी जुनैद सफदर नवाज हो जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है हमारी पार्टी में ऐसा ट्रेंड नहीं है। काशिफ साहब देखें, जो हमारी पार्टी है इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता, इमरान खान के बाद कोई खानदान का बंदा नहीं आ सकता, ये पहले नवाज शरीफ साहब आए
अब मरियम आई है आगे, ये जुनैद को भी तैयार कर रहे हैं। Okay. नहीं खान साहब, इस गल मैं इतफाक करांगा कि खान साहब तुहाड़े तो बाद कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकता, तो मेरा ख्याल अगले 5 साल तुसी भी नहीं आ सकते। बड़े कोई तुम नौसत के ब्रांड एंबेसडर। ये बताइए कि स्टूडेंट लाइफ में आपकी फेवरेट हीरोइन कौन थी, रीमा, मीरा, साइमा या फिर रेशम? ये नहीं कि ये सामने बैठी हैं, बट इन्होंने एक एक डिसेंसी का कल्चर प्रमोट किया, नो डाउट, और एक लिटरेट होने का कल्चर प्रमोट किया। पहले जो एक ट्रेंड था लॉलीवुड में, आई थिंक शी इज अ ट्रेंड सेटर, शी चेंज दैट ट्रेंड और एक नए स्टैंडर्ड सेट किए। तो आई थिंक आई वुड गो विद रेशम जी, नो डाउट जी, तालियां होनी चाहिए। रेशम साहबा जो आए रहे ना इंडस्ट्री, सब तो ज्यादा दुआवा इन्होंने शफक चीमे ने दी हैं। वो कहते निकी जी की चुकी जाती फोटो। अच्छा मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा जी। आपने उनको एक्टर के साथ तशबीह करनी है, ठीक है जी? पहला नाम है आसिफ अली जरदारी, किस एक्टर से मिलते हैं आपके ख्याल? गुलशन ग्रोवर। इसका मतलब है कि आजकल ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ताल्लुकात अच्छे ना होना अपनी जगह पे है, मगर वो लो जी दिल थाम के बैठो, देखते हैं अगला जवाब अता का क्या आता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अफसोस के बोलेंगे लाड़ा पंजाब दा। उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती रही लेट मोहम्मद अली के साथ, और जिस तरह भाई होते हैं सगे भाइयों की भैया, तो मैं उन्हें कहूंगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए, बहुत बड़े एक्टर थे, पहचान थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। अच्छा जी अगली पर्सनैलिटी मियां शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने वो देखी हो ना एक दिन के सीएम वाली मूवी, अनिल कुमार वाली, अनिल कपूर वाली, तो आई वुड से अनिल कपूर। अगली पर्सनैलिटी दीवान एंड ओनली फवाद चौधरी। जॉनी लीवर। कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, टीवी पे आते हैं तो। अच्छा अगली पर्सनैलिटी सोच के बोलिएगा, देखते हैं कि आपकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन होती है। इमरान खान। जो हालात उन्होंने किए, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, मेरे ख्याल है। चलिए बोलिए ना। मैं ये वाहिद सवाल है जिसमें मैं फंस गया हूँ, यानी आपने मुझे पूछा, बाकी मैंने अक्रॉस लाइक अक्रॉस लॉलीवुड बॉलीवुड आपका जवाब दिया, बट इमरान खान मुझे कोई तबाही बर्बादी का वो समझ नहीं आ रहा कि हाँ शफकत चीमा। हाँ शफकत चीमा आप कह सकते हैं। चला है। अब आ रही है जी रेशम जी की, आपकी देखते हैं दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन होती है। तो आपका रोशन है, आप दिमाग की बत्ती देखते हैं आजकल बुझी भी। कुछ शख्सियात के नाम लूंगा जी, जी। आपने उनका फिल्म का टाइटल देना है उनको। पर्सनालिटी नंबर 1 मीरा, पागल हसीना, मजेदार हसीना। ओके जनाब फवाद चौधरी। मुझे तो बड़े क्यूट से लगते हैं। अच्छा वो बड़ी सीरियस बात है। क्यूट लगते थे फिर कह दो भालू चला ससुराल। बात सुने आप, उन्होंने वजन वैसे कम कर लिया है। नहीं ये भी हो सकता ना, ताड़े सामने इंज करके टेढ़ फेर रहे हो इंज करके। अच्छा जी नेक्स्ट पर्सनालिटी मरियम नवाज। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह वो शादी में लगी है, अनबिलीवेबल, नो डाउट। तो फिल्म का टाइटल दे ना, फिर टाइटल दे हसीना। आपको क्या पता ये बहुत काम आ जाते हैं, इसमें आप लिप ग्लॉस रख ले, छोटे मोटे कॉइन्स रख ले, बड़ी काम की चीज है ये, आपको क्या पता इस चीजों का? बूटा तो जुगता नहीं करी दी, फिर बूट चोरी करी देने और ये पैसे चोरी कर किसी में रखे। अच्छा खाली सिंगर नहीं कीजिए, हो जे बूट ने लगता सड़कां ते लोक पांदे। तारा भाई ये बताइए कि आपने चाय तो पी ली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, कभी हरीसा खाने का मौका मिला या फिर हनूज हरीसा दूरस्थ? मेरा ख्याल है असल में हम तंजो मजाक जब करते हैं ना तो वो कश्मीरी होना जो है ना वो उसको हम खुराक के साथ मुंसलिक कर देते हैं। बात सही है, मगर बात ठीक है, मगर जितने किस्से बने हुए उतनी बात नहीं है। अच्छा हाँ। हमने तो सुना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे तो वो अपने फार्म हाउस पे जाते थे, कहते थे ओ जड़ा बकरा है ना आज ओदी पुट खवाओ।
सच्ची बात नहीं, नहीं मेरा ख्याल है ये बातें ज्यादा बनी हुई हैं। खुश खुराक जरूर है हैं जी। और कश्मीरी होने के नाते खुश खुराक होना भी चाहिए, मगर जितनी बातें बनी हुई हैं उतने ये तो हमने भी देखा है कितने खुश खुराक हैं। एक बार ऐसी भी गए हैं, बल्कि अक्सर जाते रहने सरकार। अच्छा। एक दिन टेबल पे बैठे हैं खाने वाले, मियां साहब आप चीजें दे रहे हैं, ओए बेटे फिश चेक करो, ओ बेटे कूड़ लगे हो, कबाब चेक करो। मैं कहा मियां साहब जिन्ना कुछ ले आंडे हो आज बेल ना ले आना। और इसी वजह से कौम का नुकसान हुआ है, सारे बकरे मार दिए, सारा कुछ खत्म कर दिया। हम देखें उन्होंने बकरे मारे ने ना, तुसी ते कट्टे मुर्गियां दा क्या सी। देखिए हम बिस्किट खिलाते हैं, इस कौम को भी इल्तिजा है कि खाना खाना छोड़ दें और बिस्किट खाएं। ये बताइए था कच्ची उम्र में कभी पक्की मोहब्बत हुई आपको? आए हाए कच्ची उम्र में सब कुछ चलता नहीं वो। अच्छा लव लेटर लिखा या फिर कोई मैसेज वैसेज किया? नहीं लेटर भी बड़े लिखे। कभी ये भी जवाब आया मैं तो तुम्हें अपना भाई समझता हूं। ये बताइए सियासत और वकालत के अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं या क्या हॉबीज क्या हैं? देखिए मुझे एक तो हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक है, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि लोग जो हिस्ट्री से नहीं सीखते वो कहते हैं कि पीपल हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। सो वो मैं बड़ा शौक से हिस्ट्री पढ़ता हूँ। नहीं लग भी रहे ने तारण भाई अपनी फिजीक तो कि हिस्ट्री पढ़ते हो हिस्ट्री जाओ ना पुराने दौर च जंगा च इहो जे बंदे तलवारां तेज करते होंगे एवं बादशाह लगा के देखे उंगली। अच्छा ऋषभ ये बताइए कौन सी डिश आप बहुत अच्छी बना लेती हैं? अब तो बहुत सारी डिशेज बना ली हूँ, सीख ली मैंने फेसबुक पे जो रेसिपीज आती हैं। मैं भी एक बारी फेसबुक तो देख के मटर कीमा बनाया सी, मेरे को कच्चा रह गया। क्यों? मेरा डाटा मुक गया सी। यार ये क्या बात हुई यार। डाटा मुक गया सी तो दिमाग को इस्तेमाल करना था ना कि एक चीज जो गोश्त या कीमा होता है उसके लिए उसकी भुनाई अच्छी करें। दिमाग होना बहुत जरूरी है ना, अगर वो ना तो बंदा इस्तेमाल क्या करे। आप लोग क्या डिश बनाते हैं काशिफ साहब? डिश तो मैं बनाता हूँ, पूछे कौन सी? कौन सी? बिस्कुट छोले। हाल में आपका एक बयान बहुत ही वायरल हुआ है कि आप शादी कर रही हैं, क्या ये बात सच है? ये सवाल मुझसे पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। कोई ऐसा शख्स मिल गया देख लो जो, जो हम मिजाज होगा हम ख्याल होगा तो कर लूंगी शादी। कोई हसाण वाला कॉमेडियन सज्जे खब्बे वेखो कोई तन जुगता भी करता रहे दिल भी लगा रहे। लड़ी नी तेरा सेरिया वाला ब्याहवण आया तो नहीं कह रहा। लड़ी नी तेरा सेरिया वाला ब्याहवण आया दूल्हे मियां उधर ही ब्याहवण आया। लड़ी रेशम तुमने ये गेटअप कैसे रेशम इधर पेटी पाई जान अखा दराज करो। इस तरह शर्माया ने जी मैं सच्ची मुची रेशम ही दूल्हे मियां इन्हां नूं कह रहे तुहाडी गल नहीं हो रही उधर ही होनी तुहाडी गल है ते बेवा जे। ओ आया लड़ी ए नी की गल नी एक्सक्यूज मी नी तेनु की है ओए अन्या गौर नाल देख। ओ नी नहीं पैड़िए इंज दी कदों बोलन लग पई है। एक्सक्यूज मी कौन है आप और क्यों मुंह उठा के अंदर आ रहे हैं? ये कोई मैरिज हॉल नहीं है। मेरी शादी किसी मैरिज हॉल में नहीं होनी, फिर हर हाल में होनी है। जेहो जी तेरी सेहत मैं लगता तेरी शादी बुरे हाल में होनी है। मेरे एडे भी गुरबत दे दिन नहीं आए। आए लड़ी नी इसका नी का एंगल ही ठीक नहीं है। इसमें क्या है? इसमें दिस इज माय सीवी। सीवी मेरी चेक करें और मुझे बताएं कि मैं यहाँ बैठने के काबिल हूँ कि नहीं। तुसी होते पूंजे बैठने के काबिल हो, जमीन पे बैठ जाओ तुसी। मैं कदमा च बैठ जाऊंगा। आखिर पता की है हामन ताबेदार होना चाहिए। यार आपने सोचा कैसे कि रेशम आपके साथ शादी करेंगे? खुदा का खौफ खाए यार। देखिए रेशम अगर आपके साथ आके सीट पे बैठ सकती है तो मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर सकती? अरे व्हाई नॉट मेरी जान। वो रेशम है और आप खद्दर हैं। खद्दर? आई एम नॉट खद्दर, आई एम बोस्की। एक दफा हाँ कर लेने दो मेरे ना कहना है यारो यही बोस्की है। अच्छा बोस्की वाकई तुसी ते सुनी है ना दो घोड़ा बोस्की हैगी अठ खोता बोस्की। अठ खोता बोस्की बिल्कुल हैगी है, ये नौ खोता बोस्की सी यार। खोता भी जो कट गया। अठ खोता बोस्की नहीं होता, अठ खोता दोस्की होता है। मुबारका एंकर फंड हो गया।
अपनी सीवी फड़ो। हाँ जी। मैं रिजेक्ट। हाँ जी। Absolutely not। आपके जज्बात की बहुत कदर करती हूँ कि आप उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन फिटे मुँह आपका। आपसे शादी यार एक सेकंड मैं अभी बताए और कसून मार देती होती है। ओ चलो ब्याह ना हो एक कसून नहीं आए कुछ तो आए इधरो चलो प्रपोज करो। रेशम। हाँ जी। खवातीन रोज रात रेशम को तंज मिजाज में प्रपोज किया जा रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वो सस्पेंस देखेंगे रेशम मानती है कि नहीं मानती। जी रेशम आई लव यू यार मैंने मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना अच्छा मौका दिया यार मैं इधर घूम के उधर जाना है ना। आई लव यू मैं रेशम नु किया है तो अनुकादी इनसिक्योरिटी हो यार किधर की बात तुम किधर लेके जा रहे हो लाफ्टर का कुछ चक्कर को मैं ये कह रहा हूं सिमेट्री तो मिलाओ यार। मेरे वो देख आज मेरे जूतों पे जूते नहीं मारनी उधर मारनी। आज जूतों की बात ही नहीं कर रहे तो अनुकदों किसी ने जुराबा लेके देनी यार ये रेशम जी ने जुराबे पहनेंगे। ये रेशम ने हमें फैशन सिखाया है कि भाई ये अंदर की जुराबे ये देखो जुराबे नजर आ रही है तो गिटे बढ़ा दो रेशम मैं जुत्ती ला रही है मैं पॉलिश करा रही हूँ रेशम तुमने क्या सोचा मेरे बारे यार मैंने सोचा कि आपको किसी अच्छी आंखों के डॉक्टर के पास लेके जाना दूल्हा सोना लग रहा है अज वैसे व्याह गीत होने चाहिए ने। कौन से? साडे यार ने बन ले सेरे कोई हैगा जेड़ा एनू छितर फेरे चौका विच पैण लुडियां ते चौका विच ले लिया इसने। हाँ जी दसो एक दफा फिटे मुंह ही कह रहे हो आपको कसम है आपने फिटे मुंह नहीं कहना आपने दुर फिटे मुंह कहना है। अच्छा पकाने ली लबे अच्छा देखो सेरे दे विच ओदा मुंह इंज लग रहा है मसहरी चो खोता वेखण दे हालांकि खोता मसहरी तो बाहर मैं तो कह भी नहीं सकता भाई साडा एंकर नहीं नहीं खोते के मुंह इतने बड़े नहीं होते जी स्लिम होते ने जरा रेशम प्लीज अगो की कहना छोड़ दो अगो कहना आप मुझसे शादी करेंगी नहीं नहीं उधर भी मारो ये वैसे सरों दे फुल ने गर्मियां च हुंदे ने लेकिन मैं सर्दियां च फड़ ले आया ओ सरों सर्दियां च हुंदी है तेरा खाना खराब है सरों सर्दियां च हुंदी है ते पालक हर मौसम च हुंदी है जिस बंदे को ये नहीं पता कि रेशम कहां बैठी है हाय हाय और वो शादी करेगा हाय हाय कुछ तो ख्याल करो यार नहीं 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 रेशम यहां बैठी है रेशम देखे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है आपकी भाभी ये जो मोहब्बत है ना ये आम चेहरों को बहुत खास बना देती है लोग अंदर की खूबसूरती को देखते नहीं है इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत मिल नहीं सकती। अच्छा मुझे मालूम है साहिब मोहब्बत मिल नहीं सकती मुझे मालूम है साहिब मगर खामोश रहता हूँ मोहब्बत कर जो बैठा हूँ प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है लेकिन जाने से पहले और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करने से पहले मैं रेशम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही अच्छा इनका ज़ौक है शायरी में तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ सुने बगैर इनकी जान छोड़ेंगे तो प्लीज मैं चंद अशआर सुना देती जरूर जरूर समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थैंक यू सो मच आप तशरीफ लाए बहुत मजा आया आपके साथ रेशम आपका बहुत शुक्रिया। तो खवातीन आजाद ये था आज का प्रोग्राम देखते रहिए प्रोग्राम तंजो मजा
मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।